हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हमारी आइगन क्लासेस की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कल आपको एलएसएम कराया था और उससे पहले आपको डब्ल्यूएसएम कराया था। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, शेयर बोर्ड एंड एम्परेज। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसे मैं 2 दिन में कंप्लीट करूँगा। ठीक है, ये 2 दिन तक चलेगा। हमारा एलएसएम कल ही कंप्लीट हो गया था, उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको कल करा दिए थे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं शेयर बोर्ड एंड एनकरेज। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर डिफॉर्म्ड बार कन्फाइनिंग टू IS 1786 द डिजाइन बोर्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड सेल। आपने अगर पढ़ा होगा RCC में, ठीक है, RCC में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं शेयर बोर्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ, अगर मैं बात करता हूँ शेयर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर डिफॉर्म्ड बार, ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, फॉर डिफॉर्म बार के लिए जो हमारा इंक्रीज होता है 60%, ठीक है, 60% इंक्रीज होता है। अगर मैं बात करूं डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार इन कंप्रेशन ये डिक्रीज, ये इंक्रीज होता है 20%। ये आपको याद रखना है, ठीक है। डिजाइन बॉन्ड शेयर स्ट्रेस, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर डिफॉर्म्ड बार, अगर डिफॉर्म्ड बार की बात हो, ठीक है, तो उसमें 60% इंक्रीज करते हैं, और अगर कंप्रेशन बार की बात करें तो उसमें 20% इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट है। किसकी बात कर रहा है? डिफॉर्म्ड बार कन्फाइनिंग, ठीक है, IS, ये कोड है IS 1786 द डिजाइन बॉन्ड, ठीक है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिफॉर्म्ड बार के बारे में। तो डिफॉर्म्ड बार के बारे में मैंने आपको भी बताया कि 60% इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एज अज्यूम्ड, ठीक है, देन द डेवलपमेंट इज लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द NFE 500 HYST bar, ठीक है, HYST bar नॉमिनल डायमीटर 12 mm, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस इंटेंशंस विल बी, इसने पूछा है हमसे डेवलपमेंट लेंथ LD का फॉर्मूला क्या, ठीक है, पहले इसने क्या दे रखा है, गिवन लिखते हैं, सबसे पहले हमें गिवन लिखना, ठीक है, अगर हम गिवन क्या क्या दे रखा है, टो बीडी दे रखा है, ठीक है, टो बीडी कितना है 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FY दे रखा है, ठीक है, FY कितना है 500, ठीक है, FY हमारा 500, और क्या दे रखा है हमें, फाई दे रखा है, फाई मतलब डाय, ठीक है, डाय कितना दे रखा है 12 mm, ये 3 चीज दे रखी है, और एक दे रखा है हमने HYSD, तो HYSD के फॉर टो बी डी जो होता है, ठीक है, टो बी डी होता है 1.6 इंटू टो बी डी, जो नॉर्मल टो बी डी है, ठीक है, उसमें 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.6 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा 2.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ गया हमारे HYSD के लिए टो बी डी। अब हमें क्या निकालना है, डेवलपमेंट लेंथ LD का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 FY into 5 डिवाइड बाई, ठीक है, 4 टो बी डी, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 0.87, FY कितना है हमारा 500, FY कितना है हमारा, ठीक है, FY हमारा 12 mm, 4 into 2.4,
ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा एलडी आएगा वो आएगा 543.75। तो इसे हम अप्रोक्सीमेशन मान लेंगे 544। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर M30 कंक्रीट ग्रेड, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस M30 ग्रेड कंक्रीट का, ठीक है, इसमें आपको एक टेबल दी हुई है, ठीक है, जो टेबल है वो मैं आपको अभी बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कौन सी टेबल है, कोड में टेबल दी हुई है, ठीक है, जिसमें ये हमारे एम ग्रेड है, ठीक है, कितना है यहाँ पर, तो ये 15, 20, 25, 30, 35 और 40 या उससे अबव, ठीक है। ये LSM के लिए है और ये है WSM के लिए, क्या है ये है हमारी, क्या नाम है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो M15 के लिए 2.5, इसकी 2.5 है, इसकी 1.6, इसके 2.8 और इसकी है 1.8, M25 की है 3.1 और 1.9, M30 की है 3.5 और 2.2, M35 की है 3.7 और 2.3 और M40 की है 4.0 और 2.5। ये हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, जो आपको किसी भी ग्रेड के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है। तो M30 की पूछ रहा है LSM में, ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है M30 की। तो M30 की मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यहाँ पर कौन सी है, अगर मैं M30 की बात करूँ, M30 हमारा ये पोर्शन है, ठीक है, M30 इसमें 2.2 तो है नहीं, तो WSM तो खत्म, WSM तो खत्म हो गया, तो अब क्या बचा है 3.5, तो 3.5 मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो बी हमारा इसमें ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। द स्पेसिंग ऑफ द स्टिरअप इज रेक्टेंगुलर बीम, अगर हमारा कोई रेक्टेंगुलर बीम है, कोई हमारा रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, यह है इसका क्रॉस सेक्शन, यह है इसकी लेंथ, ठीक है, साइड, ये रेक्टेंगुलर बीम है, अगर मैं इसमें स्ट्रिप की बात करूँ, आपने पढ़ा होगा जब हम स्ट्रिप पढ़ते हैं, ठीक है, शेयर, जब हम स्ट्रिप की स्पेसिंग, ठीक है, देते हैं, तो हम जहाँ पर शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होता है वहाँ पर स्पेसिंग कम रखते हैं, जहाँ पर शेयर स्ट्रेस कम होता है, ठीक है, वहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं। तो ये है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आता है वो हमारा रिएक्शन के पास आता है, ठीक है, सब में ही शेयर स्ट्रेस रिएक्शन के पास आ जाता है, बीम कोई सा भी हो, ठीक है, तो हम रिएक्शन के बाद हम जो स्पेसिंग है वो कम रखते हैं, ठीक है, और ये हमारा सपोर्ट के पास स्पेसिंग कम रखते हैं और सेंटर में स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा RCC में। तो अब देखिए इनमें से कौन से को सपोर्ट कर रहा है। द इंक्रीज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्पैन ऑफ द बीम, अगर मैं सेंटर की तरफ जाऊँ, ठीक है, तो हमारी जो स्पेसिंग है वो बढ़ती है, ठीक है, बीम में, जी हाँ, तो ऑप्शन है हमारे इसमें करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द शेयर रेनफोर्स शुड बी नॉट एक्सीड 0.75D एंड सब्ट्रैक्टेड टू मिनिमम, आपने मैक्सिमम स्पेसिंग पढ़ा होगा, मैक्सिमम स्पेसिंग हमारी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए शेयर रेनफोर्स की, ठीक है, जो हमारी शेयर रेनफोर्स है, शेयर रेनफोर्स्ड है, ठीक है, मैक्सिमम से दो क्राइटेरिया, एक होता है ना ये इससे ज़्यादा नॉट ग्रेटर देन 0.75 डी, और एक हमारा होता है मिनिमम कितनी होनी चाहिए 300 mm मिनिमम, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, एक तो 0.75 डी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 300 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है,
ये दो क्राइटेरिया है हमारे जिन्हें हम फॉलो करते हैं स्पेसिंग देने के लिए, ठीक है। तो एक तो हमें दे रखा है 0.75 डी, और एक हमें बताना है कि मिनिमम कितना होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 300 ml, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बॉन्ड में, ठीक है। जब आप शेयर रेनफोर्स्ड डिजाइन करते हैं, तो शेयर रेनफोर्स्ड डिजाइन करते वक्त तो आपको आपके सर ने जो टीचर्स थे आपको उन्होंने बताया होगा कि हम इसमें मैक्सिमम स्पेसिंग कितने देते हैं और मिनिमम कितने रहते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितनी होती है, 300 ml, तो इससे कम नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द बार हैविंग द हुक एट द बोथ एंड, अगर हमारी कोई बार है, ठीक है, कोई बार है, ये बार है हमारे, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, बोथ साइड हुक, तो ये हमारे हैं हुक, ठीक है, बार के ये हुक है, ठीक है, और ये, ठीक है, और इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है एल। इन्होंने कहा है कि टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी होगी, जो हमारी इसकी टोटल लेंथ होती है और बोथ साइड हुक है, ठीक है। तो इसकी लेंथ होती है एल प्लस के 18 डी, एल प्लस के 18 डी, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है, ठीक है, एल प्लस के 18 डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। द डेवलपमेंट लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, डेवलपमेंट लेंथ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एल डी इक्वल टू 0.87 FY इंटू, ठीक है, एफ वाई इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू टू बी डी। तो जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है, एल डी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो है टू बी डी का। टू बी डी मतलब कि डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। और एक चीज और बताओ, हमारा एल डी डेवलपमेंट लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई के, और जी एल डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई के, मतलब कि डायमीटर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्टील की स्ट्रेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट, जो M20 ग्रेड कंक्रीट है इसकी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस कितनी होती है, ठीक है, M20 की। चलिए मैं सारे लिखवाता हूँ आपको कि M20 की कितनी है, M20 M20 M25 M30 M35, ठीक है, और जी M40 और अबाउ M40 और उससे ज़्यादा, M20 M25 M30 M35 और M40 और उससे अबाउ, तो कितनी होनी चाहिए। M20 का 1.2, इसकी 1.4, इसका है 1.5, इसकी है 1.7 और इसका है 1.9। ये आपको याद रखना है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ये हमारी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो M20 कितना है, 1.2, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट है। ये आपको कुछ डाटा याद रखने हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को टैगल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब हमारे IS कोड में दी हुई है, IS 456 2000, ये टेबल जो दी हुई है IS 456 2000 का, ये टेबल दी हुई है, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसी का ही जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करा था इसी टॉपिक में, ठीक है, इसका क्राइटेरिया दे रखा था, 60% इंक्रीज इन डिफॉर्मेशन बार, ठीक है, और ये 20% इंक्रीज इन कंप्रेशन बार, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक ही टॉपिक से आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर द M50 इंच मैक्सिमम कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन लोकल बॉन्ड स्ट्रेस, अगर M15 की बात करें तो लोकल बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है, M15 की अगर मैं बात करूँ, M15 की लोकल बॉन्ड स्ट्रेस कितनी होती है, M15 की लोकल बॉन्ड स्ट्रेस होती है 5 kg, ठीक है, M15 की हमारा ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट है, M15 की होती है 5 kg/cm². चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रॉपरली बेंट अप हुक्ड बार द स्ट्रिंग टू डायगोनल टेंशन इज बीम इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। द
इन तीन बीम है ठीक है, इन तीन बीम में से बेंट अप किया हुआ है हुक भी है ठीक है, रेजिस्टिंग द डायगनल टेंशन। डायगनल टेंशन कौन सा ऐसे बेंट अप बार है जो डायगनल टेंशन को रेजिस्ट करेगा, तो ऑप्शन टू हमारा इसमें जो हमारा सेकंड बीम है ठीक है, ये हमारा परफेक्ट है डायगनल टेंशन के लिए, क्योंकि इसमें ये बेंट अप बार है ठीक है, ये बेंट की हुई है, ये बेंट की हुई है ठीक है, बहुत अच्छा से इसमें बेंट किया, लेकिन बेंट सिर्फ एक कर रखी है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और जो पीछे सो रहा है उसके लिए सॉरी ठीक है। चलिए और मैं इसे क्वालिटी अच्छी करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।